हेलो साथी मेरे, जिंदगी में अगर खुश रहना है ना, लाइफ में अगर खुश रहना है तो तीन काम ना करें। क्या क्या पता है? नंबर एक घमंड, नंबर दूसरा अपमान, और नंबर तीसरा उम्मीद। समझ रहे हो? यानी किसी भी चीज पर कभी भी गुरूर ना करें, घमंड ना करें, कुछ क्षण के लिए है। दूसरा, किसी का अपमान ना करें, इंसल्ट ना करें, क्योंकि ये भी बहुत ही घातक चीज़ है, खुश नहीं रह सकते ऐसा करके। और तीसरा, किसी और से कोई उम्मीद ना करें, क्योंकि उम्मीदें बहुत दुख देती हैं, अगर किसी और से की जाए, खुद से ना हो तो। समझ रहे हो ना? आइए आगे बढ़ते हैं। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा डेट सबको पता है कि 26 तारीख से आ चुका है, पता है ना? क्यों भैया, 26 तारीख से परीक्षा है? तो हमारी कोशिश होगी अब आपका इस बचे हुए जो 20 दिन हैं लगभग, उसमें कंप्लीट रिवीजन करवा दिया जाए, है ना? क्योंकि बहुत से लोग अभी जागे हैं, अभी आए हैं अपनी ससुराली नैहरे से, उनको पढ़ना है, क्योंकि पेपर तो देना ही देना है ना? और पढ़ते तब हैं जब पेपर का डेट आ जाता है, उसके पहले तो पढ़ते नहीं हैं। तो रिवीजन करवाएंगे, कंप्लीट रिवीजन, ठीक है? तो 26/6/23 तक संपूर्ण गणित का रिवीजन हो जाएगा। सभी रेडी हो ना? ये प्रथम सेमेस्टर। चलिए आगे बढ़े। हाँ, सारी अपडेट के लिए बाबू टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें, संख्या ज्यादा जुड़ेगी अब, क्योंकि पेपर आ चुका है तो अब तो पढ़वे करेंगे, आप क्या करें। एक बहुत बड़े महान दार्शनिक ने कहा था कि अगर किसी भी कार्य को करने की लास्ट डेट ना हो तो 80% काम कभी पूरे ही ना हो। चलो, तो पहला चैप्टर है आपका, क्या नाम है पहला चैप्टर? संख्या वाला ना, उसमें रोमन संख्या एक बहुत बेहतरीन पहला चैप्टर है। बताइए पहला सवाल, रोमन लेटर BLD। हाँ, किसकी पुनरावृत्ति नहीं होती? बताइए, पहला है I, दूसरा है D, तीसरा है X और चौथा है C। ये सभी रोमन अंक हैं, ठीक है? रोमन अंक हैं। बताइए इसमें किसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है? जवाब दीजिए सभी फटाफट, इसमें किसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है? क्लास लाइव चल रही है, देखना है तो आइए, जिनको भी पढ़ना है, ठीक है? ओके, आगे बढ़े। चलिए, बहुत अच्छा, सही जवाब क्या है? D। देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे सारे क्लियर होंगे और आज संख्या भी जुड़ेगी, मुझे पता है। परीक्षा आ गई है तो भैया पढ़ेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ ना? सोनम दुबे, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। निधि यादव, नागेंद्र, शालिनी, रुखसार, तान्या। देखो भैया, BL और D, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। BL और D याद रखना, कौन कौन है? VL और D, ये तीन रोमन लेटर हैं जिनको कभी भी रिपीट नहीं किया जाता, ये सिंगल रहते हैं हमेशा, सिंगल एकदम, शुरू से धर्मात्मा पैदा हुए हैं। समझा कि नहीं? जैसे कहेंगे कि मतलब क्या है, मतलब वो समझ ला चाचा, देखा? जैसे अगर 7 को रोमन अंक में लिखते हैं तो V और डबल I लिखते हैं ना, यहाँ पे I रिपीट हुआ 2 बार आया कि नहीं, बोलो? आई रिपीट हुआ 2 बार आया ना। धर्मात्मा पैदा हुए, हुआ ना रिपीट, ठीक है? एक और देखो, जैसे मान लो 20 लिखा ना, तो डबल एक्स होता ना 20, इसमें यक्स रिपीट हुआ कि नहीं? हुआ हुआ,
अगर 50 लिखा तो क्या होगा? रोमन अंक में बताओ जल्दी से, बताओ। शिवम जी बताइए, निधि मिश्रा जवाब दीजिए फटाफट, शर्माइए नहीं, या तो परीक्षा आ गई, अब क्या करोगे? अब 20 ही दिन तो पढ़ना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, आगे बढ़े आगे बढ़े। दूसरा बताइए, इसमें से एक आध नंबर का पक्का आएगा, याद रखना ठीक है। 85 का रोमन अंक है, बताओ। चलो भैया, देखा और आजा बतावा। जवाब दीजिए फटाफट, 85 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे बताइए? आप नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? बहुत अच्छा प्रीति, सोनम, अक्षय, 85। चलो भैया, इसमें से कोई नहीं सही है तो एक और ले लो, ना नाप दीज, इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ, आगे बढ़े, कर लोगे ना? ठीक है, तो 85 को मैंने दो तरीके से बताया था। ये 80 धन 5, इसको कर सकते हैं ना, अफी के लिए जानते हो क्या होता है, एल ट्रिपल एक्स, क्यों? और हाँ, अंतरराष्ट्रीय नंबर में रोमन अंक चेंज हो जाता है, अगर अंतरराष्ट्रीय नंबर में बात करें तो रोमन अंक अलग हो जाता फिर, ठीक है। अब देखिए आगे, अगला, सभी समझ गए ना? तो इनको दो पार्ट में कर लोगे, 80 धन 5, 80 के लिए रोमन अंक बताओ, यल त्रिपल एक्स, यही होता है, इसके लिए 5 कर दोगे, 85 हो गया कि नहीं? बढ़िया है, कोई डाउट नहीं, चले। तो ये सही है कि नहीं, क्या ये सही है? 60 का बताओ, 40 का बताओ, सब बताया हूं ना, याद भी करवाया हूं, तो अभी रिवीजन हो रहा है, अभी प्रैक्टिस होगा इसमें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नंबर का थोड़ा सा सिस्टम अलग हो जाता है। आगे बढ़े, बताइए एक और बताइए, 100 का बताइए और 500 का बताइए, रोमन अंक जल्दी बताइए। वेरी गुड साजना, साक्षी पांडे, सोनम, बताओ भैया, बताओ बताओ बताओ। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, देखो बच्चा ठीक है, सभी का लगभग सही है कॉन्सेप्ट, सभी जान रहे हो, नहीं जान रहे हो तो मुझे बता देना, कमेंट सबका देख रहा हूं। देखो ये मैं राष्ट्रीय नंबर की बात कर रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय में जाएंगे तो इनका थोड़ा चेंज हो जाता है सिस्टम, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। ये हो गया आपका रोमन अंक, अब हम बात करेंगे साथियों किसकी, रोमन अंक के बाद में, इसमें सम और सम विषम तो जान ही रहे हो, भाज्य अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या जानते हो क्या होता है? नहीं जानते हो तो मैं सब बताऊंगा, डोंट वरी। अभाज्य संख्या जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये जानते हो क्या होता है?
बहुत ही सिंपल सा व्यवहारिक एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे, देखते जाना प्यार से। देखो कैसे, देखो मुझे ये बताओ इन संख्याओं में से कौन अभाज्य है, 85, 87, 81 या फिर 97, कौन अभाज्य है बताओ। कौन प्राइम नंबर है इनमें से बताओ। अलका, ठीक है, वेरी गुड। सिंटू, सिया प्रजापति। देखिए कहते हैं ना, कुछ है, इंसान भी ऐसे मासूम से होते हैं, भोले भाले, जिनकी बातों में लोग उलझ जाते हैं। देखने में वो बहुत सीधे लगते हैं पर अंदर से बड़े खतरनाक होते हैं, है ना। पता है ना सबको, कभी ना कभी मिले होंगे किसी न किसी से। तो वैसे कुछ नंबर होते हैं जो देखने में वो लगते हैं क्या, देखने में वो लगते हैं अभाज्य हैं, ईमानदार हैं एकदम, बिल्कुल अच्छे वाले, लेकिन होते नहीं हैं। जैसे 87 में लोग उलझ जाते हैं, इनको अभाज्य जानते हैं, है ना, इनको भी लोग अभाज्य जानते हैं, लेकिन ये होते नहीं हैं। ये तो बदनाम है पहले से ही। देखिए मैं इनके बारे में बात करूंगा विस्तार से, पहले इनके बारे में समझ लीजिए। ऐसी संख्या जिसके फैक्टर कम से कम तीन हो, कम से कम तीन फैक्टर हो, जैसे एक तो वो संख्या खुद होगी, मतलब एक वो संख्या खुद होगी, एक वन होगा ये, इसके अलावा और भी संख्याएं इनके फैक्टर हो, जैसे 2, 3, 4, 6 इसके, ठीक है, ये इतने क्या इसके फैक्टर हैं, गुणनखंड, समझा। हाँ, जैसे नंबर 13 है भैया, इनके आगे नाथ ना पीछे पगहा वाली बात है, इनके कोई नहीं है, इनका फैक्टर 1 और 13 होगा सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। कोई और नंबर है तो बताओ, नहीं है ना। तो ऐसी संख्या जिसका 1 और खुद का छोड़कर बाकी कोई फैक्टर ना हो, समझ रहे हो ना। जैसे एक ऐसा आपका फ्रेंड बताया था ना, वो कौन सी बात, ये नाम ये बताया था ना आपको, याद है सभी को, नहीं, GFVF वाली आजकल जो होता है, बताया था ना, जिसका सिर्फ एक एक हो, वो क्या है, अभाज्य है, अभाज्य है, ठीक है। एक वो खुद हो और एक उसका दूसरा वाला हो, समझ रहे हो, और जिसके में क्या हो, एक वो खुद हो, ये मतलब एक वो खुद हो और एक दूसरा वाला हो, बाकी सब साइड बाय साइड हो जरूरत के अनुसार, तो वो क्या है, भाज्य है। अब नहीं भूलोगे ना, पक्का नहीं भूलेगा, भाज्य भाज्य, ये एग्जाम्पल तो याद रहेगा ना, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं, तुम समझ गए होगे, समझने वाले सभी को याद रहेगा ना। तो भाज्य भाज्य समझ गए, तो ऐसी संख्या जिसका कम से कम तीन अगर गुणनखंड है, फैक्टर है, तो वो क्या होगी, वो भाज्य हो सकती है। देखिए आगे देखिए, जैसे अगर मैंने नंबर लिया 18, 81, 87, देखो एक चीज और, अभाज्य संख्या अलग है, विषम संख्या अलग है, तो कोई भी विषम संख्या अभाज्य या भाज्य दोनों हो सकती है। 27 इधर ले लो, जैसे 53, 47, 61 है ना, 19 बताओ, ये अभाज्य है ना। अंकिता जी आ रहा समझ में, रौनक आ रहा है, उग्रपाल कुमार, शिवम। हाँ, एक और सबसे बड़ा सवाल होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, बताइए, संपूर्ण रिवीजन हो रहा है ना, बताओ भैया सबसे छोटका कौन है, यही सबसे छोटी भाज्य संख्या है भैया, बतावा हो, सबसे
ए बड़ी नहीं रे दादा, छोटी अभाज्य संख्या बताए दा भैया, बतावा हो। इसका आंसर कोई बताया है? शिवम, रुखसार, अंकिता और भी बहुत से लोग हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी साथियों, अब जो भाज्य होती है, कंपोजिट नंबर जिन्हें बोलते हैं, वो क्या होती है पता है तुम्हें? फोर होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या फोर, एक ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जिसका फैक्टर एक तो वो खुद है, एक वन है, जैसे मैंने कहा ना, एक तो तुम खुद हो, एक तुम्हारी वाली है, बाकी दोनों के बीच में तीसरा ना हो, तो वो क्या होगा? अभाज्य होगा। लेकिन आजकल अभाज्य बचते कहाँ हैं, लोग भाज्य हो जाते हैं सब। देखो यहाँ पे समझो कैसे, एक तो ये क्या है, ये खुद है, इनका फैक्टर एक वन है बस, बाकी कोई नहीं, लेकिन इनके फैक्टर भैया दुई भी हैं, तो इनके आने की वजह से क्या हो गए? अभाज्य नहीं रह गए, ये भाज्य हो गए। समझा? जैसे एक नंबर दो ले लो, तो इनका फैक्टर क्या होगा? एक तो दो खुद है, एक वन है, बाकी इनका और कोई फैक्टर नहीं है, कोई और गुणनखंड नहीं है ना इनका, तो ये क्या होगा भाई साहब? ये अभाज्य होगा बाबू। एक चीज और, संख्या वन भाज्य है कि अभाज्य है बताइए? वही सब तो है जो पढ़ा रहे हैं। वन अभाज्य है कि भाज्य है? बताओ, संख्या वन अभाज्य है या भाज्य है या कोई नहीं, मतलब उपरोक्त में कोई नहीं, बताइए क्या है? वन वन ना भाज्य है ना अभाज्य है, ये बिरादरी से बाहर होता है, ये बिरादरी से बाहर होता है, समझ रहे हो? जैसे वो एक थर्ड जेंडर देखो ना, ना लड़का में ना लड़की में, उनकी शादियां भी ऐसे जगह नहीं होती ना, समझ रहे हो? तो वो क्या होते हैं? इन दोनों से अलग होते हैं, तो ऐसा कुछ है। ठीक है बेटा भैया। अच्छा ये बताओ, संख्या 85 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं बताओ, बताओ इसके बीच की अभाज्य संख्याएं बताओ। जल्दी बताओ इसके बीच की अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, सभी बताइए। क्या हुआ? बताइए जल्दी बताइए सभी फटाफट, आगे बढ़े। ठीक है अंकुश, रौनक, वेरी गुड। चलिए इसके बीच की अभाज्य संख्याएं कोई बताया? साक्षी पांडे गलत है, पूरा गलत है आपका। 81 भी अभाज्य नहीं है, 85 भी नहीं है। खुशनुमा बानो ठीक है, साजना यादव आपका भी गलत है, पूरी तरह गलत है। देखो अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं, कहाँ पढ़ रहे हो भैया, ऐसे कैसे डीएलएड निकले? मार्टर मार्टराइन कैसे बनवा तू लोग, केवल बियाहन के जुगाड़ करते हैं का हाँ? कि बीटीसी हो जाए तो ब्याह हो जाए, कहा जाए कि लड़कवा पढ़ाता है लड़कियों पढ़ती है बस, बाकी नौकरी क्यों ना मिलेगा है ना करेगा सबका पता है ना? तो कुछ लोग के तो बीटीसी ऐसे चलती है, उनका पता है, उनके मम्मी पापा का पता है, कुछ ना हुए का है बस, ये है हाँ पढ़ाई चल दिया है काहे के रहे। तो देखा इधर भाई, ऐसा कुछ ना करा, जिंदगी में कुछ हासिल करो अच्छी बात है, सबसे बड़ा सम्मान होता है आत्मसम्मान, और आत्मसम्मान मिलता है आत्मनिर्भरता से। ठीक है देखिए, इससे अगर हम स्टार्ट करें तक, तो पहले तो ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसके फैक्टर ढेर सारे हैं। ओहो आवाज आ रही क्या, कि मैंने बंद कर दिया भाई से? यार क्या कह रहे हो?
अबे कहाँ से बंद हो गया रे दादा। हेलो 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 हेलो, आवाज़ बहुत स्लो आ रही ना। अब आई, बहुत धीमे आ रही ना। पता नहीं कौन बीमारी पकड़ ली यार इसको। थोड़ा रुकना, एक सेकंड रुकना रुकना थोड़ा सा। मैं पकड़ा क्या? हाँ, अब पकड़ा आवाज़? क्या कह रहे हो, आया पकड़ा? अरे नाइस सस्पेंशन। अब हुआ कुछ चेंज यार? इसमें बहुत कुछ, तीन पांच होता है, मैं क्या बताऊं इसको। आवाज में फिल्टर लगा रखा है खूब सारा। अब आया, पकड़ा? अरे यस, आई आवाज? हाँ, अब आया? अब क्या कह रहे हो, फुल हुआ? चलो ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है, जो भी है बढ़िया है, जाने दीजिए, छोड़िए। तो भैया, इनके बीच में अगर अभाज्य संख्या की बात करें बाबू, तो देखो 86 तो ये है नहीं, 85 नहीं है, 86 नहीं है, 87 भी नहीं है, 88 भी नहीं है, 89 है क्या? 89 किसी से डिवाइड होगा? तीन से होगा? नहीं होगा। दो से होगा? नहीं होगा। मुझे लगता है ये भी तो नहीं है ना यार, 89 भी तो नहीं है। 90 है, 91 है, क्या है? ये सभी भाज्य संख्या है जो लिख रहा हूँ, याद रखना। 92 है, 93 भी है, इनके फैक्टर दो से अधिक हैं सबके। 495, 96, 97, 899 और 100, ये सभी क्या है भैया? भैया भैया भैया, ये सभी भाज्य संख्या है बाबू, सिर्फ द्विय संख्या भाज्य है चाचा। समझे ना? हाँ, कुछ लोग कंफ्यूजन में जी रहे हैं, वो सुने, मैंने कहा ना, मैंने तो सोचा था कि वो मासूम और नादान है, लेकिन बाद में पता चला वो कैसे है, झूठ और फरेब की दुकान है। तो वैसे सोचा मत करो ज़्यादा, सोचने वाली बात अधिकतर गलत होती है। तो देखो कैसे, इसको लोग अभाज्य मान रहे हैं भैया, इनको बहुत ईमानदार मान रहे हैं ना। देखो इनके फैक्टर, 1 है, 87 है, 3 भी इसका फैक्टर है, 3 से भाग करके देखो, 3 दूना 6, 3 नवा 27, 29 भी इसका फैक्टर है। समझा कि नहीं? जिसको तुम बहुत अच्छा मान रहे थे ना, उतना अच्छा है नहीं, इसके चार चार फैक्टर हैं। कुछ समझा? कुछ सीखा ना? 93 को जो लोग मान रहे हैं, अरे गधा, ये 3 से सीधा सीधा कट रहा है, 3 3 9, 3 1 3, 3 भी है, 31 भी है। अब बताओ, अगर इनके चार चार फैक्टर हैं तो ये अभाज्य कैसे हुई? कैसे अभाज्य हुई? नहीं हुई ना? सभी समझ गए ना? भाज्य अभाज्य सभी समझ गए? नो डाउट, नो टेंशन, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो आगे बढ़े। तो याद रखें, बार बार बोल रहा हूं, रिवीजन हो रहा है, कि ऐसी संख्या जिसका फैक्टर यानी गुणनखंड वो संख्या खुद है और 1 है, क्योंकि कोई भी संख्या खुद का गुणनखंड होती है, फैक्टर होती है, ठीक है, समझा ना? अगर किसी भी संख्या का गुणनखंड वो संख्या खुद है और 1 है, बाकी और कोई नहीं है दूर दूर तक, यानी तू मेरी मैं तेरा, बाकी और किसी का नहीं हेरा फेरा। समझा कि नहीं?
तो क्या है? अभाज्य है। अगर बीच में कोई तीसरा बंदा भी है या बंदी है तो फिर अभाज्य नहीं हुआ ये रिलेशन, समझ रहे हो ना कि नहीं? अब भूलना नहीं इसे। चलो जैसे इसमें देखो, इसमें क्या है, होता नहीं लोग रिलेशन में भी सोचते हैं ये तो मेरे लिए ही है, मेरे लिए बना है, मेरे लिए बनाई गई है, बनाया गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बीच में इनके जैसे भी लोग छुपे रहते हैं जिनको नहीं पता होता है, तो यही दोनों दिखते हैं, ये नहीं दिखते हैं। समझा कि नहीं? सभी समझ गए ना? तो अब कोई कन्फ्यूजन ना रहे भाज्य और अभाज्य में। अब सुनो, चलो फिर जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए। भाज्य बताइए, 29, 33, 87 एंड 99। नहीं, चलो बताओ जल्दी करें, इनमें भाज्य संख्या बताइए, बताइए। खुशनुमा बानू, सोयब खान, डिम्पल रुखसार, श्वेता जायसवाल, सोनम दुबे, गुंजन भारती, आज सब जग गए हैं भैया। जोन दोपहरी अब दाल भात खाए सोवत रहन, और संजय से जैसे शाम होत रही सोए जात रहन, हाँ बाकी टाइम फोन में बीतत रहन, सब फोन छोड़ छोड़ के आ गए पढ़ने, पीवीआर स्टडी याद आ गई कि भैया पेपर आएगा है, बैग लग जाएगा तो बाबू पूछेंगे क्या कर रही थी लाडली, है ना? अच्छी बात है, दुनिया में अगर किसी को कोई मोहब्बत है ना किसी प्रकार की, तो वो स्वार्थ से है। देखो वही चीज़ है, ऐसे लोग नहीं आते थे दर्शन देने, आज देखो सब आए हुए हैं। चलो तो इनमें अगर हम भाज्य की बात करें तो ये तो है नहीं, ये है और ये भी है ना? समझ गए? तो भाज्य भाज्य को मारो, हटाओ इनको यहाँ से। अब बात करते हैं रेफनल और इरेफनल। परिमेय और अपरिमेय संख्या की, ठीक है? ऐसी संख्या जिनको पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्याएं होती हैं, जहां क्यू डज नॉट इक्वल जीरो तथा p बराबर जीरो हो सकता है। जहां p और q दोनों क्या हो, एक पूर्णांक संख्या हो, ये क्या है? परिमेय संख्या। अब यहां पे कहानी समझना तुम। चलो संख्या 45 है, बताओ परिमेय है? अगर परिमेय है तो R लिख के कमेंट करोगे, अपरिमेय है तो I, बताओ। अगर ये परिमेय है तो R लिखोगे और अपरिमेय है तो I, आगे बढ़े। अभी तुम्हारी फ्रेंडशिप करवा रहे हैं, रुको, बिगड़े हुए बच्चे। तो भैया इनको क्या लिख सकते हैं, 45/1, सो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि पी अपान क्यू के बराबर है। और अगर ये पी और क्यू के बराबर है बेटा भाई बाबू, तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या है। लेकिन दूसरा केस में देखना, इधर है अंडर रूट 45 क्या है, क्या ये परिमेय संख्या है? बोलो, बता भैया, बताओ। प्रीता जी बताइए, पूजा, साजना यादव, चलो जल्दी चलो, फटाफट फटाफट चलो। देखो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्यों? पहले हम इनका वर्गमूल हटाने की कोशिश करते हैं, वर्गमूल हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जिंदगी में अगर किसी के व्यवहार से परेशान हो ना, तो पहले उसे बदलने की कोशिश करो, ना बदल सको तो
स्वीकार करो, ना बदल सको तो स्वीकार करो, और स्वीकार ना कर सको तो हट जाओ, दूर हो जाओ। क्यों कहा ये चीज, सुनो यहां पर क्या है, ये 45 है, हमें कंपेयर करना है कि पी अपान क्यू के बराबर है कि नहीं है, है ना। कंपेयर तब कर सकते हैं जब वो दिखे पूरा पूरा साफ साफ, जैसे मान लो पर्दे के पीछे कोई चीज है और हमसे पूछे कि भैया कौन है, अब हमें दिखी नहीं रहा हम कैसे बताएं कौन है, तो पहले हम पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे, जब हट जाएगा समझ पाएंगे कौन है। वैसे यहाँ पर ये अंडर रूट जो लगा है, मान लो ये पर्दा लगा है एक प्रकार, पहले हम इसे हटाएंगे, अगर इसे हटाने के बाद कोई पूर्ण संख्या आती है होल नंबर, तो उसे हम नीचे वन लिख के कह देंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसे नहीं हटाया जा सकता है पूरा पूरा, यानी इसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, तो भाई फिर वैसे होगा क्या करूँ, बैटरी लो है इसलिए ऐसा हो रहा है। आवाज आई मेरी, यस 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 आवाज आ गई है, मैंने ये लगा लिया, ये आई ना, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया यार, आई मेरी आवाज, मुझे लगता बहुत तेज आ रही होगी अब। ए भाई हट जा रे दादा, तू कहाँ आ गया, बोलो आई मेरी आवाज, मुझे लगता है काफी तेज आ रही ना, इसमें इसमें कोई बीमारी हो गई मुझे लग रहा था, खरखराहट भी आ रही क्या बगल से, नहीं आ रही ना, नहीं रोहित नहीं है, रोहित सर की तबीयत खराब है, अब आएगा, ये एयरपोर्ट इसी का है। हाँ तो मैं ये बोल रहा था फिर से बताऊं, सभी लोग अपना कान थोड़ा थोड़ा दबा के रखो, आवाज तेज आएगी, क्योंकि अब तक वो थोड़ा गड़बड़ था, आवाज दबा रखता था, तो इसमें तेज आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा स्लो कर दे रहा हूँ वॉइस, ज्यादा इनके कान में चुभ रही है। तो साथी मेरे, मैं ये बोल रहा था कि कोई भी संख्या अपरिमेय है या परिमेय है कैसे जानते हैं, उसे कंपेयर करते हैं पी अपान क्यू के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं, और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हमें वो संख्या पूरी तरह दिखाई पड़े। जैसे अगर कहें कि पर्दे के पीछे क्या है, भाई पर्दा हटाओगे तभी दिखेगा पर्दे के पीछे क्या है, है ना। मैंने मुट्ठी बंद किया, मेरे मुट्ठी में क्या है, और मुट्ठी खोलूंगा तभी दिखेगा तुम्हें क्या है, भले कुछ भी नहीं है, अगर मैंने बंद कर रखा है भाई कुछ तो हम तो लिए ही, दुकाना दिखाओ तो दिमाग में टेंशन हुए ना कि आखिर का लिए है, है ना। तो वैसे कहा है, ये जो संख्या है ना, इसमें वर्गमूल का चिन्ह लगा है, तो पहले हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे। अगर ये हट गया, वर्गमूल का चिन्ह पूरा पूरा हट गया और संख्या एक पूर्ण संख्या मिल गई, होल नंबर, कंप्लीट नंबर, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो, ठीक है, तो क्या होगा, अगर वो हट गया तो होगा, नहीं हट गया तो नहीं होगा। चलो देखो 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 आगे आइए, देखिए पहले इसके बारे में बात करें। साथी मेरे, जैसे ये संख्या है 121, ये परिमेय है कि अपरिमेय है, देखो समझो, यहां पे
इस पे वर्गमूल का चिन्ह लगा है, जब तक ये चिन्ह नहीं हटता है तब तक ये परिमेय है कि अपरिमेय है कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन इसको हटाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है, ठीक है, क्लियर। देखो सुनो, अब अभी तो ये नहीं डिसाइड कर सकते हो क्या है, जैसे है ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते कुछ। इनका वर्गमूल हटाओगे प्लस माइनस 11 आएगा, इसे आप कह सकते हो 11/1 पी अपान क्यू। सो ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यानी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसको कहेंगे कि ये बराबर नहीं है, फिर ये डज नॉट इक्वल पी अपान क्यू। अगर ये नहीं हट सकता तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है फिर, समझा। यानी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण घन हो, पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण घन हो, वो क्या होती है, सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होती है, परिमेय होती है, रेशनल नंबर होती है, ठीक है, समझ गया भैया सब भाई। क्यों कि ना आए हो तो बता दिया, ऋषि आया जी ना, चला वा चला। आज मेरा बहुत सूख रहा है यार, बोलने का मन नहीं कर रहा है। देखो इधर अगला, अगर मैंने 181 लिखा तो ये क्या है, अपरिमेय है कि परिमेय है, दो सौ पच्चीस परिमेय है कि अपरिमेय, बताओ। बताइए, जवाब दीजिए, जल्दी बताइए फटाफट, टाइम काफी हो गया यार, 40-45 मिनट हो गया ना, जल्दी करें, परिमेय है कि अपरिमेय है बताइए। आज क्लास थोड़ा लंबी चला देता हूँ, मुझे लग रहा है रिवीजन तो करना है ना, मैं जाऊं पानी लेके आता हूँ, तब तक मैं कुछ कोड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको करो, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं, मेरी जिंदगी सुनसान चल रही है, तो मैं पानी लेके आऊंगा अभी। ए वाला परिमेय है कि अपरिमेय है, ये परिमेय है कि अपरिमेय है, ये परिमेय है कि अपरिमेय है, ए बी सी सब बताओ, सभी बताओ, कोई जाएगा नहीं, आज क्लास देर तक चलेगी। शिरोमणि शर्मा जी कमेंट्स आपका आ रहा है, मैं आ गया हूँ यहाँ दूसरे जगह पे, कुशवाहा बानू कमेंट आपका आ रहा है, मैं थोड़ा दूर हूँ। ओके जी, ओके। निकल जा बेटा, मेरी आवाज आ रही क्या अभी, सभी एक बार हाँ बोलो अगर आ रही तो, यहां से मैं दूसरे जगह हूँ। आ रही क्या मेरी आवाज, क्या हुआ बहुत भाई, हम स्टूडियो वाले रूम से दूसरे जगह आए, ठीक है। आ रही क्या मेरी आवाज, आया मैं, आया रे भैया आया, श्रिया प्रजापति, तो मैं आ गया हूँ, चलो आई गए भैया दिखानन, अच्छा रिपीट हो रही है, अच्छा इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट है, दोनों जगह से पकड़ा है ना इसलिए, ठीक है। चलिए तो
ये अपरिमेय संख्या है, आई लिख सकते हो, ये परिमेय संख्या है कि इसके इसका वर्गमूल 15, 15 में 225 होता है, रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये इरेशनल है क्योंकि इसका कुछ आता पता नहीं है, डॉट 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 है। सभी समझ गए? तो ये मोटी मोटी बातें मैं कर रहा हूँ परमीय अपरिमेय के बारे में, बहुत डीपली नहीं, क्योंकि डीपली अब टाइम नहीं है। अब तक तुम जहां टाइम दे रहे थे जिसको ना, उसी में तुम्हारा उद्धार होगा। चलो, अंडर रूट 25 धन 7, बताओ ये परमीय है क्या परमीय है? ईमानदारी से बताओ, अगर ये परमीय है तो आर, अपरमीय है तो आई लिखो, फटाफट बताओ जल्दी, आर या आई बताओ। भैया हो इनका डाल लो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 मान लो, तो ऐसे लिखो 20 आर या 20 आई। ये परमीय है क्या परमीय है? बताओ, नहीं खाना बनेगा अभी 12 बजे के बाद बनता है खाना भैया, 12 बजे के बाद बनेगा, कोई बात नहीं। लड़ाई झगड़ा करते रहो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करते रहो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो, कर लो, कर लो, लड़ाई वड़ाई कर लो ना थोड़ा थोड़ा। चलो देखो आगे, 9/45 धन 8/7, ये परमीय है कि अपरमीय है बताइए क्या है? 22 नंबर क्या है? देखिए सीधा फीधा नंबर नहीं है, इसको हल करेंगे, हल करने के बाद, हल करने के बाद कुछ होगा। समझाना भैया? तो भाई समझ गया ना, तो देखा अब, देखा मगर हमका ना देखा, मगर क्लास वक्त देखा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो क्लास कम देखते हैं, कहते हैं आप पढ़ाते हैं ना तो हम आप ही को देखते हैं, हमका देखे कुछ ना हो, अच्छे अच्छे बर्बाद हो गए हमें देख के। देखो इधर, इसका वर्गमूल करोगे क्या आएगा? 5 धन 7 बराबर 12, समझ रहे हो? पढ़ाई लिखाई कर लोगे तब कुछ होगा। देखो इधर, इनको जोड़ोगे तो क्या होगा? 7.5 + 7। अब इसको देखो, 9/45 अरे मजाक में बोल रहे हैं, 7 × 7 = 5, 8 = 40, नीचे 35, 47/35 आएगा जो कि पी अपान क्यू के बराबर है। तो ये क्या है? परमीय संख्या है कि नहीं? किसी को कोई डाउट, कोई तकलीफ तो बताओ मुझे, नहीं ना? आजकल की जिंदगी ना बहुत डिस्टर्ब चल रही है किसी वजह से। चले आगे। तो परमीय अपरमीय की मोटी मोटी बातें हो गई, अब आप बोर ना हो जाएं, इसलिए थोड़ा सा कुछ और होता है ना, बीच बीच में थोड़ा चेंज होना चाहिए। कौन कर आ रहा है? कह रहा है अगर श्वेता क्लास झगड़ा करने के लिए आई हो ना, सबकी बातों से तंग लगती हो, खुद को होशियार समझती हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे तुम यहाँ आ गई? लड़कियां वास्तव में पागलें पैदा होती हैं, कहना नहीं चाहिए, है ना? अब इन्होंने टॉपिक उठा दिया तो मैं बोलूंगा जरूर चार बात। पता है मैंने ऐसा देखा है, प्रायः लड़के शहर में रहते हैं, हमको ले करके इंक्लूडेड,
अलग अलग कमरे में रहते हैं फिर भी खाना एक जगह बनता है। इतनी पटती है लड़कों में, लेकिन लड़कियों में इतनी जलन होती है, जलन खोर होती है कि रहती एक कमरे में है। अक्सर बहुत जगह हॉस्टल है, डबल बेड तीन बेड होता है ना, बेड बेड हिसाब कमरा मिलता है, एक रूम में होके भी अलग अलग खाना बनाती है। सही बात है कि नहीं बताओ, सही बात है ना? यानी लड़के अलग अलग रूम में रह के भी इकट्ठा खाना बनाते हैं, लेकिन लड़कियां एक रूम में रह के भी अलग अलग खाना बनाती हैं। और हाँ, कहीं मेरे वाले को पता चल गया इसके बारे में तो इसका ना हो गया, ये बड़ी जलन होती। तो यहाँ पे वो जलन दिख रही कमेंट में। अरे थोड़ा बहुत अनुभव मेरा भी है, देखा हूं। चलो आगे बढ़े। जीरो पॉइंट थ्री इंटू टू पॉइंट फाइव, ये दुई बात समझ ना लगा तो इसका मान बताइए क्या होगा, बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा। लड़कों लड़कों में कभी जलन नहीं होती, अगला चाहे कुछ भी पहना है, कितना भी अच्छा है, कितना भी खराब है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, खुद नहीं मुंह धुलता अगले का देखेगा। लड़कियों में अगर कोई अगली थोड़ी अच्छी लग रही है उसको लोग देख रहे हैं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, मुझको ना देखा उसको काहे देखा, मैं इतनी खराब हूं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए भैया, अपने आप को सिर्फ शरीर ना समझिए, कुछ और भी मानिए तो फिर कुछ और बेहतर होगा। इसका आंसर कितना होगा, 75। देखो यहाँ पर दो अंक पर दशमलव, यहाँ पर एक अंक पर, टोटली तीन अंक पर दशमलव लगेगा, तो दो अंक यहाँ पर है, एक अंक मिला लोगे, 0.75 ना। आगे बढ़े, चलिए 45 × 0.35, इसका मान बताओ क्या होगा, बताइए जल्दी करिए। अब अलार्म बजने लगा है, 11 बज चुका है। अलार्म लगातार बज रहा है, इसका मान बताओ क्या होगा, जल्दी करें। पूजा, गुंजन, भारती, नेहा, श्वेता, साजना, नेहा पाल, चल भैया बतावा हो, शर्मात का है कहा तू लोग, अब तो पेपर आएगा ना, अब तो छोड़ दे सब कुछ। डीएलएड वाले सच में नहीं पढ़ते हैं, पेपर है टाइम पढ़ते हैं। एक हमारी नई नबीली भाभी है, उनको मैं कभी कभी बोलता हूँ, अरे कभी पढ़ लिया करिए काम आएगा, अरे पेपर तो भैया जी हो ही नहीं रहा है, मैं पढ़ती हूँ तो भूल जाता है, तो फिर क्या फायदा पढ़ने से, जब पेपर की डेट आ जाएगी तो पढ़ लेंगे, है ना? तो वही मुसीबत है, इनको क्या करेंगे पता है? देखो ऐसा है, इनको ऐसा करना है, तीन अंक पर दशमलव लग रहा है ना, तो क्या करोगे पता है? 17-17 हम में होता है 119 ना, यही होता है ना। और देखो यहाँ पर भाई साहब तीन अंक पर दशमलव है, तो तीन अंक पर यहाँ दशमलव लगा दो, ऐसे बस, ज्यादा कुछ मत समझो, डायरेक्ट कर लो। हो गया ना, थोड़ा संभल जाओ, पहला चैप्टर में देखो क्या क्या बचा है। रोमन अंक के बारे में पढ़ा दिया, परमीय परमीय संख्या पढ़ा दिया, दशमलव का गुणा वगैरह करवा दिया, भाग करवा दिया, एठी दोठी। इसमें बोर्ड मास का नियम भी है पहले चैप्टर में। अच्छा एक चीज और है भैया, कुछ लोग को दर्द होता है, ये बिल्कुल गुप्त रोग जैसे, वो बता नहीं पाते हैं, बहुत ही छोटा छोटा गुड़ा वगैरह भी नहीं आता है,
ठीक है, सुनो यहाँ पे, सुनो, नहीं कर पाते हैं, सुनो यहाँ पे क्या है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, मैं वो भी करवाऊंगा ऐसे, जैसे इनको मल्टीपल करना है हमें नहीं पता है तो कैसे करेंगे समझना। आगे बढ़े, देखो देखो इसको करवाऊंगा समझो। देखो पहले 6 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो 3 5 7, इनको अलग लेके गुणा कर लो, तो 6 7 42 हासिल आया 4, 4 याद रखना, इनके खोपड़ी लिख लो, 6 5 30, 4 34 हासिल आया 3, 6 3 18, 18 3 21, 6 7 42, 6 5 30, 34, 6 3 18, तो 21 42, समझना। अब 5 से गुणा करो, हासिल 3, 5 5 25, 3 28 हासिल आया 2, 5 3 15 2 17। अब एक चीज याद रखना, 1785 लिखना है, यहाँ का एक अंक छोड़ देना, ऐसे क्रॉस कर लेना। अब 5 8 7 1 जोड़ दो, 2 9, ऐसे पेपर में करके दिखाना पड़ेगा, कैलकुलेटर से करके आंसर नहीं निकालना है, याद रखना। डीएलएड के कैंडिडेट हैं तो इसको चचा इसे करके दिखाना पड़ेगा। पीटीसी वाले हैं तो ऐसे पेपर में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मम्मी की परी और पापा के परी, इधर देखो। ए यार मिटा दिया का, हट ना यार, रुको, देखो समझो। आइए, 12 का भाग करोगे 12 दूना, बहुत ज्यादा ऊपर आया का ये। पापा की परी और परा, इधर देखा था भाई, 12 दूना 24, घटाने पाया 1, 7 उतारा, 12 एकम 12, घटाने 5 आया, समझो भैया, ऊपर से 5 उतार लो, 12 चौक 48, 7 आया, 4 उतार लो, 2 आया। ये भाग करने का तरीका है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर वालों, याद रखना, सिलेबस का हिस्सा है बाबू ये, ठीक है, तो पेपर में आएगा इसमें से फर्स्ट सेमेस्टर के अगर आप हो तो। किसी को कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द क्लास से संबंधित, क्लास से संबंधित दुख दर्द बताओ, अपनी उसकी नहीं, उसकी तकलीफ तो बहुत लंबी है, मुझे भी दर्द है उसका, ऐसी बात नहीं है, जाने दो उस दर्द को, भूल जाओ। चलो बढ़िया है, चल रहा है सब अच्छा, बात ना करो, कोई बात ना करो, टाइम काफी ज्यादा हो गया, मैं बंद भी कर दूंगा, तुम लोग बतला लो, बतला ले तुम लोग देर से। एक और करवा देता हूँ गुड़ा वाला, इनको कर लोगे ना ऐसे, पहले 7 से गुड़ा करेंगे, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 का 8, कैरी बचेगा क्या 2, 7 2 जा 14, 14 में 2 8 करोगे 16 का 6 आएगा 1, हिंदी में बोला, 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 7 दूना 14 2 16 6 हासिल 1,
सात्रिक 21 और हासिल इकट्ठी 22 का दुई हासिल आया दुई, 7 8 56 दुई 58 का 8 हासिल 5, 7 5 35 5 40। समझा सा भाई ना हो? सोयाब खान पढ़ लो, नहीं तुमको ना उठा नहीं देंगे, चले जाओगे अपने घरे। समझा था ना है? ना लायक नहीं तो आधा घंटा हमारे नाम नहीं बोलते, हमारे नाम नहीं बोलते, तुम्हारे नाम बोल देंगे तुमको कहाँ मिलेगा? हाँ कुछ मिल जाएगा का? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सब। नहीं नहीं आज तो हम इंजन लगा लिए, बिजली वाला जोड़ लिए, हम बंद काय करेंगे, इंसान थोड़ी हम। हो गया, अब दूसरे वाले से करो, 8 से मल्टीपल करोगे 8 चौक 32, इधर एक छोड़ देना है। देखो अलग करके दिखा देता हूं, तुम्हें समझ में आएगा। देखो 5 8 3 2 4, 8 से कर लो, उधर कर लो, लाके यहां लिख देना है। 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूना 16, 16 3 19 का 9 हासिल आया 1, 8 3 24 1 25 का 5 हासिल आया 2, 8 3 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 8 2 64 64 2 66 का 6 हासिल आया 6, 8 5 40 6 46। सही है ना? ये बताओ सही है ना? देखो ठीक है, लिख देता हूं। अब वहां 2 लिखा था, 9 5 6 6 4, गलत होगा तो गुड़ा उड़ा कर लेना। आठ चौक 32, 8 दूना 16, 3 19, 8 3 24, 1 25, 8 2 64, 2 66, 8 5 40 6 46। सही है, चलो अब अगले से कर लो भैया, 9 से, 9 से कर लो, 9 से देखो, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 दूना 18, 3 21 हासिल 2, 9 3 27 29 हासिल 2, और 9 8 72, 2 74 हासिल आया 7, 9 5 45 57। देखो भैया भूल चूक लेनी देनी गुड़ा करने में कहीं गलत वलत हो, हल्का फुल्का मिस्टेक तो उसे याद रखना। इधर भी एक क्रास लगा के एक गिनती छोड़ देंगे, 6 1 9 4 2 5, याद रखना, एक अंक के नीचे एक अंक हो सीधा सीधा साफ साफ, इसी में सब कुछ नहीं कर देना, कुछ लोग इसी में सब कुछ कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 8, 6 2 8, 6 2 8, 9 8 17 हासिल 1, 8 5 13, 1 14 1 15 हासिल 1, हासिल 1, 1। भैया ये तरीका बता रहा था मैं कि 3 अंक का गुणा कैसे करोगे, डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस का हिस्सा है, तो अगर आपको आता है तो ये मत सोचना कि सबको आता है। कुछ लोग कह रहे हैं जो टफ है वो पढ़ाओ, जो टफ है तुम्हें हजम नहीं होगा वो पलट दोगे। तो हम अब 20 दिन में तुम्हें टफ नहीं पढ़ाएंगे, 20 दिन में तुम्हें पास कराएंगे। ऐसे लोग जो अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं, हाँ अभी शुरू करे हैं, तो उनका दर्द पास होने वाला है, उनका दर्द ये नहीं कि पूर्णांक पाने वाला, पूर्णांक पाने वाला टाइम बीत गई, उम्र चली गई है, वो अब वो उम्र नहीं रही, पूर्णांक नहीं मिलेगा तुम्हें। अब अगर अब तक नहीं पढ़े हो तो पूर्णांक नहीं मिलेगा,
जो पूर्णांक वाले थे वो क्लास देख चुके हैं, पिछले 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का क्लास बस यहीं पे एंड होता है। जिनको डेली पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है और फ्री पढ़ना है, वो हमें टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लें। एक चीज और समझ लें, ऐसे कैंडिडेट जो डीएलएड में अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं, पेपर खोपड़ी पे आ गया है, अगर वो पास होना चाहते हैं ना, तो उन्हें हम पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो क्लास दे देंगे कोई भी सेमेस्टर का। कंप्लीट मैथ, स्पेलिंग सही लिखे ही ना। इसके लिए पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करें, आपका कोई भी सेमेस्टर है प्रथम द्वितीय तृतीय, इसकी जो फीस होती है वो 2396 होती है भैया 2 साल के लिए। अभी ऑफर में ये ओनली 799 में मिल रहा है, मौका है अगर चाहें तो आप ले सकते हैं। आराम से पास होने की पूरी गारंटी है, अगर तुम 20 दिन पढ़ लोगे तो 20 दिन में पास तो हो ही जाओगे, लेकिन याद रहे पढ़ना पड़ेगा। 700 क्या तुम 7000 भी हमें दे दोगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं, तुम एको नंबर नहीं पाओगे। तो अगर चाहते हो, भटकना नहीं चाहते हो, ज्वाइन कर लो, नंबर नीचे चल रहे हैं स्क्रीन पे, संपर्क करिए, डायरेक्ट ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर गूगल पे या फोन पे से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजें और हम आपको रिप्लाई करेंगे खुद ही। ठीक है, जिनको डायरेक्ट करना है, जिनको कुछ और पूछना है, बुझाना है, जानकारी लेना है, वो नंबर पे फोन कर सकते हैं इस पे, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कुछ कहना है किसी को? सोनम, सक्षम यादव, साजना, खुशनुमा, अमरीश, शिरोमणि शर्मा, विश्वजीत जी, इतना देर आपने सिर्फ एक ही कमेंट किया बाबू, बहुत मेहनत किया आज। शालिनी जी, आपका कमेंट आ रहा है, मुझे दिख रहा है, कहां से हैं आप, कहां से हैं आप? यूपी से ही है ना, इनका कमेंट थोड़ा अलग आ रहा है। आप यूपी से हैं, हिंदी मीडियम से है ना, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। देखिए, जो यूपी डीएलएड वाले हैं, ये उन्हीं के लिए स्पेशली टारगेट है, क्योंकि ये क्लास बिहार वाले भी पढ़ते हैं, एमपी वाले भी पढ़ते हैं, अलग अलग राज्यों के, ऑनलाइन चलता है तो हर कोई देखता है, तो टारगेट ये यूपी डीएलएड के लिए है। तो ठीक है भैया, धन्यवाद सभी का, राम राम, शुभ रात्रि, जय हिंद, मिलब फिर कल रात के 10 बजे, तो आए लोगन का रउआ लोगन का इंतजार रहे, आया जरूर है।